नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वास्तु विशारद नैनेश जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर गुरु चैनल पे। आइए जानते हैं सितंबर मास का राशिफल। आपके लिए सितंबर मास कैसे रहेगा, विशेषतः कौन सी ग्रह से आपकी पीड़ा हो सकती है, विशेषतः कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहेगा, किस भगवान की पूजा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। आइए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए मास बहुत ही शुभ माना जाएगा। विशेषतः बड़े बुजुर्ग व्यक्ति अपने शरीर से जो पीड़ित हैं, उनकी पीड़ाएं दूर होंगी। आपके बच्चों का आपको बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है। बहुत समय से बच्चों के साथ जो टकराव चल रहा था, अलगाव हो रहा था, वो दूर होने की वजह से घर का माहौल बहुत ही शुभ रहेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार में नए इन्वेस्टमेंट आने की वजह से व्यापार में बहुत ही अच्छी तेजी होगी। आपको यदि किसी व्यापार में इन्वेस्ट भी करना है, किसी मित्र के काम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसके साथ जुड़ने के से भी आपको फायदा हो सकता है। विशेषतः जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके भी जॉब में ग्रोथ दिखाई देती है। बॉस आपके ऊपर खुश रहेंगे, जिस वजह से आप यदि बातों बातों में उनसे इंक्रीमेंट के बारे में बात करना चाहो तो आपका काम जरूर बनेगा। विशेषतः आपके बॉस के साथ नए प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा जरूर करिएगा, वो प्रोजेक्ट आपको जरूर मिल सकता है। ट्रैवलिंग के लिए हो सके तो अभी मना करिएगा कि कोरोना काल की वजह से आप ज्यादा ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि अंदरूनी कोई पीड़ा ऐसी है जो आपको शायद आगे बढ़ सकती है। हो सके तो इस मास में आर्थिक शुभ फल आपको बहुत मिलने वाले हैं। इसके लिए जितनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना चाहते हो, कुछ नए शेयर्स भी आप खरीदना चाहते हो, इसे भी आपकी राशि के लिए फायदा हो सकता है। विशेषतः जो लोग विवाह की इच्छा रखते हैं, प्रेम की इच्छा रखते हैं, और जिन लोगों के प्रेम के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, उसमें और भी मजबूती आएगी। जिनको विवाह के संबंधी इच्छाएं हैं, वो भी पूरी हो सकती हैं। कहीं पे कुछ प्रपोजल भी आ रहे हैं, वहां से कहीं ना कहीं काम जरूर बनेगा। आपकी राशि के लिए इस माह में 6, 15 और 24 तारीख में कोई भी शुभ काम करना शुभ रहेगा, और अपने साथ कोई भी नीली वस्तु जरूर रखिएगा, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव साक्षात हैं, तो आपके कुछ भी शुभ काम में अपने साथ नीली वस्तु रखना या मोर पंख भी आप नीला रख सकते हो, जिससे निश्चिंत लाभ होगा।